हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि टीवी पर। तो आज हम क्लास 9th NCERT मैथ्स के चैप्टर 7 जो कि हमारा है ट्रायंगल्स के फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बाकी के थ्योरम्स को क्योंकि इस चैप्टर में हमने थ्योरम्स को भी डिस्कस किया है। 8 थ्योरम्स थे, हमने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, बहुत ही डिटेल में। हर जो है थ्योरम की एक सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ही उसको डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना हो वैसे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पर अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझना हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आगे का आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ है इन क्वाड्रेटरल ABCD, AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। सी फिगर 7.16 सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD। What can you say about BC and BD? तुम क्या दे रखा है कि एक क्वाड्रेटरल ABCD है। अभी मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ। एक क्वाड्रेटरल ABCD, ये देखिए ABCD एक क्वाड्रेटरल दे रखा है। उसके बाद हमको उसमें क्या दे रखा है, AC इक्वल्स टू AD ये दे रखा है, और एंगल AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ये AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों एंगल्स, ये हो गया। उसके बाद अब हमसे पूछा गया है सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD। इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। हमें पता है हमारे कुछ थ्योरम्स हमने पढ़े थे कॉन्ग्रेंसी रूल के, है ना, तो उन्हीं के हेल्प से होगा। फिर क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ये है आपका, ये इन दो ट्रायंगल्स का एक साइड है, एडजेसेंट साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल्स की। अगर हम क्वाड्रेटरल ना देखकर ये जो हमारा बीच से AB कट कर रहा है एंगल A को, इसको अगर हम ले तो हमारा ये दो ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए इन दोनों को हमको कॉन्ग्रेंट भी प्रूव करना है। फटाफट से चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमको एक साइड दे रखा है, ये एंगल हमें इसके इक्वल दे रखा है, ये वाला साइड इसके इक्वल दे रखा है, और ये वाला हमारा कॉमन है, हम कॉमन भी इसमें लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब कॉमन ले लेंगे हमारा ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा। अब आप यहाँ पर मैं इसको नेम दे दे रहा हूँ एंगल 1 एंगल 2। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको हम लिखते हैं लैंग्वेज में अपनी। तो देखिए इन ट्रायंगल, यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABD, दो ट्रायंगल्स हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रेंसी रूल लगाएंगे। एक चीज़ का इसमें आप ध्यान रखिएगा कि हम जो ये जब लिखेंगे ना तो एक लाइन से चलेंगे, ये नहीं कि हमने पहले एक साइड लिख दिया फिर एंगल लिखा, सॉरी एक एंगल लिख दिया फिर साइड लिखा फिर दो साइड लिख दिए, इस तरीके से नहीं। अगर साइड एंगल साइड से कर रहे हैं तो पहले एक साइड फिर उसके बीच का एंगल फिर एक साइड, मतलब दो साइड्स और उसके बीच का एंगल हमको लेना है, तो हम उसी सिक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसको हम करना। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे, AC इक्वल्स टू AD क्यों है, गिवन है, ये गिवन है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये है। ठीक है, फिर क्या है, इसको हम कॉमन ले लें। ठीक है, AB इक्वल्स टू AB लिख देंगे हम यहाँ पर, रीज़न मस्ट है इस यहाँ पर देना आपको। ठीक है, देयरफोर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD।
यही तो था। यहाँ पर आप ये भी लिखना पड़ेगा आपको कि किस रूल के हेल्प से हुआ है, बाई साइड एंगल साइड रूल, क्योंकि हमने ये देखिए एक साइड लिया, एक एंगल लिया, फिर एक साइड लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको और क्या कहा था, ये हमको कह रहा था कि हमको शो करना है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। इस वाले पार्ट को भी हम करते हैं, बी सी और बी डी हमें शो करना है। पेन का कलर मैं चेंज कर दूँ, ये बी सी और बी डी चेंज दिखाना है, ठीक है। दिखा देते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो को इंट्रोडक्शन वीडियो जो है इंट्रो में आपको मैंने बताया था कि सी पी सी टी होता है हमारा, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये है इसका फुल फॉर्म। मैंने फुल फॉर्म भी बताया था, इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था आपको, ठीक है, कि क्या होता है। तो अभी तक अगर उस वीडियो को हमारे आपने नहीं देखा तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो बी सी बी डी को बी सी इक्वल्स टू बी डी हम लिखेंगे, रीज़न क्या डालेंगे, बाई सी पी सी टी, क्योंकि जब हमारा ये दो ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स जब हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो ये साइड इसके साइड इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। तो बस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन अगर समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।